पानी भर लिया समय गोठे को नहीं रह रही किजा है रसोई का पानी खत्म हो रहा है पानी लेने जाऊं पानी लेने तो पच जाइए नू देख बासी रोटी बच रही क्यों के करेगा कुत्ते ने घेरेगा कुत्ते ने कौन घेरू तो सरपंच और कच्चे जी लाग रही है ना उनका डलाई है और मिस्त्री ने कोई थी कल बखत आइए काम तवड़ा शुरू हो जाएगा बात सुनो एक बार पानी की टोकनी ले आऊं मैं हरा की पोदिंग रोटी ताती ने खा के चले जाइयो इतना टाइम को नहीं जिसे उसे दे दे ठीक समय चाय बनाऊं सु उसका गेला खा जी वो दीपांशु कड़ा है दिखता को नहीं तने के दीपांशु का ध्यान से कितने हांडो छठे क्लास में हो रहा से कि मैं कर ले ध्यान उसका नहीं भी अख तेरे की डाल मजदूरे बनाऊगा उसने चाहूँ तो मैं भी नूँ बढ़िया सुकून पढ़ाऊँ उसने पढ़ लिखा शादी मने लेकिन के करूँ के मेरी मजदूरी में तो घर का काम काम चल रहा है सियाणा एक काम कर लिया मैं भी मजदूरी पर चाल पड़ू थारी गिल चाल तो पड़ेगी फिर घर का काम कौन करेगा बखत तो उठ के कर लिया ये काम तो के बिजली पड़स है और छोर के भविष्य खातर इतना तो कष्ट करे सका सापी नु क्या करूँगा आज डलाई हो लेगी और कल मिस्त्री आओ को नहीं मैं कल जाके इसका नाम लिखवाऊंगा ठीक से सियाणा यो काम तो करण का सर और लेट ना हो राम राम मास्टर जी राम राम भाई आज जी मेरा छोरा है यो इसका नाम लिखाना है जी ठीक से बैठ जा भाई अरे यो केकर है नीचे क्यों बैठे कुर्सी ले ले कुर्सी बैठ जा ना जी ठीक हूँ मैं कुर्सी पर बैठ जा भाई दाऊ बैठ के ना बता फिर हाँ भाई बता कौन सी क्लास में एडमिशन करवाना है जो सरकारी में को पांचवी पास कराया इसका छठी में लिखाना जी भाई साहब एक काम करें सात नंबर कमरे में तमन्ना मैडम बैठी है छठी क्लास की इंचार्ज हुआ है उठे जा और एडमिशन करा दे लड़का मजदूर आदमी हूँ जी कि फीस में कमा पेशी को नहीं हो जाएगी भाई साहब है देख जो फीस लग गए है ना वह तो लग गएगी महीने की लेकिन जो एनुअल चार्ज हो ना साल का वो छोड़ देंगे आप एक काम करियो इसकी फैमिली आईडी ले आइयो आपकी ठीक है जी बहुत बहुत मेहरबानी ठीक से जाओ चल बेटा कोई देखण ने हो कोई देखण ने ना जइयो जान का गाड़ा से राम राम मास्टर जी राम राम भैया जा बैठ मास्टर जी क्या खतर बुला था भाई मन्नू बुला है तेरा लड़का है ना पढ़ाई में कमजोर से अच्छा जी घरा तो पूरा दिन पढ़ी जा है भाई यह बात मानना हाँ पढ़े सो वो लेकिन वो सरकारी स्कूल में तो उठ के आया है उसने उठा वो बेस को नहीं मिला पढ़ाई का तो जी क्या करा मन्ना तो उस पर बहुत आस है भाई करना तो कैसे है ये बोर बालक से हुआ इस तक घने एडवांस से अरे इसने उन घबरा पर लेने खातर इसका ट्यूशन लगाना पड़ेगा जी हम तो घने गरीब आदमी हाँ जी दोनों दिहाड़ी पर जावा हाँ और जी भी इसका एडमिशन करा है फीस फीस मुश्किल तो दे पावा हाँ जी ट्यूशन वाले फीस कट तो पड़ेंगे आप पे क्यों समाधान करो जी आपका हाथ जोड़ो भाई हाथ जोड़ने की जरूरत कौन है तू एक काम कर जो छठी की इंचार्ज है ना तमन्ना मैडम वह मेरी बेटी से और उसका ट्यूशन उसको दौर लगा दे मैं उसको बोल दूँगा और एक बात और बताऊँ हम भी गरीब अमीर सारी चीज़ देखा है कल ना आपका लड़का अगर पढ़ लिख के कुछ बना है ना तो उसमें हमारे स्कूल का नाम है जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका यो एहसान मैं किस तरह तार पाऊँगा भाई एहसान की कोई बात को नहीं चल मैं कहूँ ये ठीक से तू टेंशन ना ले और छोटी छोटी बीमारी तो हो ही जाया करें इतनी सोचने की जरूरत ना है इसमें हाँ हाँ चली जाइए डॉक्टर के बेटी तमन्ना अरे क्या कर रहा है मैं उठे क्लास में देख के आया आप क्लास में थे नहीं सर मेरी फ्रेंड का अर्जेंट फोन आ रहा था बोलो क्या काम है तमन्ना तने बताया था ना वो जो आपकी क्लास में लड़का दीपांशु हाँ हाँ वो पढ़ाई में कमजोर है ये उसका पापा है अच्छा तो आप एक काम करो उसके लिए ट्यूशन की व्यवस्था कर दो उसमें ट्यूशन पढ़ा दो पापा दिन वाले बैच में तो बालक पूरे हो रहे हैं किस तरह एडजस्ट करूँ नू ना करो जी मन आप तो बहुत उम्मीद थी आप किस तरह भी कर क्वेश्चन पढ़ाओ जी एक काम हो उसका है जी रात वाले बैच में एडजस्ट कर सकूँ रात ने किस टाइम जी जी 9 से 10 तक का बैच खाली है उसमें 10 बजे तो घना लेट हो जाए जी अकेला टब्बर करा किस तरह जाओगा तो इस बात की चिंता ना करे अपना ही घर से रात ने उड़ेस हो जाएगा पढ़ के लिए फिर जी हम अरे तू चिंता क्यों करे है शनिवार तो घर न चले जा करेगा ठीक है जी फिर तो ठीक है पापा मैं जाऊँ क्लास ठीक है भाई है हाँ ठीक है मास्टर ठीक है जाओ
तमन्ना हाँ आ जा यार लिकड़िया ने उड़ा ही पाऊंगी वह झील कितना कोने जा चल अरे झील पे तो रहने दे पहला मेरे गल्ला चाल एक बार तू कि चल लगी मंदिर में चल लांगे मंदिर में पागल हो रही है कि मुश्किल तो संडे का दिन मिला है वो मैं तू मंदिर में ले जाकर बैठा दे यार थोड़ी देर का काम है मंदिर में पूरा दिन हांडी चाहिए चाहे झील में कोई कौन पूछा चल राम 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 जय श्री राम राम महाराज ये राम राम लटन की ताकत हग जिम में भी जाया करो आप अरे चिल्ले के बताऊं मजबूरी मने ये बगमा लेना पड़ा था अच्छा हाँ ना तो महाराज पहलवान विपरीत होने लग रही हो मिर्ती अरे देश विदेशा मने मेरा नाम होना था पहलवानी में अच्छा हाँ बताना रे अरे ये फिर खाली खाली कड़े बड़े महाराज भाई वहाँ अपनी जगह पर थे अरे मिर्ती देख कर नुआस लगा दिए आदमी कड़क ऊपर को जाया करता बस ये तो टेम की स्थिति सी होगी फिर भी महाराज आज मैंने बताई दो इसी के दुख तकलीफ होगी जो आपने वो भगवा बाना लेना पड़ा अरे चिल्ले बहुत लंबी कहानी है के बताऊँ किसे तो मैंने प्यार करया था दवा कोई छोड़े मेरा जी लग गया नहीं फिर मैंने तो भगवा ले लिया अब 10 साल हो गए यड़ मंदिर में राम के नाम ले वहाँ और भगवान की सेवा करा अरे मैंने तो बता दी तू बता क्या तो बने बाबा महाराज जी आप तो प्यार करके बाबे बने हमने कोई प्यार करने वाला को नहीं पाया जत बाबे बने अच्छा हाँ राम 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 जय राम राम जय कृष्ण जय जय राम 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 महाराज जी राम राम भाई की बेटी राम राम बैठो माई की बेटी महाराज जी कि मैं देख के बताओ ने घर में जमा नुकसान होने लग रहा है करती पहले बताई थी ना घर शांति का पाठ करवा सारे काम बन जाएंगे महाराज जी या कौन कराओ पाठ मने वेरा है रुपया की लोभी है ना ना महाराज जी इसी कोई बात को नहीं अर सोमवार तक पाठ शुरू कर दियो ले आ सामान की पर्ची यो सारा सामान ले आइयो और सोमवार ने तड़का यो चिल्ला लेगा मने दूसरी जगह जाना है ठीक है महाराज जी एक इसने मेरी बेबे ने भी देखो ने के तकलीफ है इसका 2 बार रिश्ता हो लिया और दोनों बार टूट गया और इसका पतरा देख के किम बताओ ने दोनों बार टूट गया बालिका हाथ दिखाओ बाबा ने हाथ बाबा बालिके नसीब वाले हो हमें जिनका महाराज जी हाथ देखा करे महाराज जी देखो ना हाथ लमाई के बेटे देखा समस्या तो कि मैं गंभीर लग गए है चले लो कर पतरा देख ईब देखा महाराज जी नाम की अपना बाली के तमन्ना तुला राशि अच्छा जन्म तिथि आपकी 1394 दोष हमारा जी इसका दोष बाबा जी के बात के दिक्कत होगी गुरुजी इसका तो मांगलिक दोष है मांगलिक दोष यो क्यों है बाबा जी ठीक होया माई की बेटी जितना ब्याह नहीं होया नहीं तो के तो तू मरे रहे क्या अगला मरे तेरा नाश होना था तो महाराज जी एक में समाधान तो करो इसका माई की बेटी इसका समाधान तो है पर कठिन है एक काम करियो इन्हें अगर मत ना किसी बड़ा सेना आदमी ले आइयो अच्छा हाँ उसकी सारी समझा दूंगा तारा समझ में को नहीं आओगी ठीक सर महाराज जी इनके घर का तो इन्ने बेरा कल तेरे बाबू ले आइए ठीक सर नाका ना चढ़ाया कर कि मैं मन न्या कर चल ठीक सर महाराज जी लड़के भेज देंगे आदेश जय श्री राम जय राम 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 रा चले हां बाबा कड़े रह गया जोत बत्ती का टेबल लिया ना आया महाराज जी क्या है मां बरकत ने रतन ने चिल्ला बढ़ा ले महाराज राम राम आदेश राम राम जी आदेश बेटी महाराज की दिक्कत से लड़की का है आपने नु बताई कोई भारी समस्या है भैया छोरी मांगलिक है तो महाराज यह कौन सी बड़ी समस्या है इसका तो समाधान हो जाएगा भाई मनुष्य खाते तो तू बुलाया है इस छोरी की पहले शादी करवानी पड़ेगी किसी और के लिए महाराज आदमी के लिए के जूस है मन तो नु सुनी से केले का पत्ता गिर लिया नारियल गिर लिया जनेऊ गिर लिया किसी के लिए भी करा दो तो इसका दोष उतर गया है अरे भाई जो थोड़ा बहुत मांगलिक होने उसका समाधान हो लग रहा है या तो पूर्ण रूप तो मांगलिक है इसकी तो शादी किसी नर के लिए करवानी पड़ेगी महाराज इस तरह कोई और उपाय कौन महाराज जी ने बता तो दी कई ढोल बजा के बतावे परचून की दुकान थोड़ी ना सह समाधान जो सह वो सह ठीक से महाराज चल बेटी चल रहा कर ले लो महाराज यो दीवा लो ये और गल है तुम्हारा
के बात की चल ले दौड़ा रुका तो लासी लिया हूं मैं। एक बात बताओ ने, इब की बार दीपान सुहाया को नहीं, के बात से उसकी मैडम नाटकी थी, इब की बार को नहीं आना। सियाणा मैं तो एक हफ्ता यो गिन गिन के काटू सू, और आप नहीं कहो उसकी मैडम नाटकी नू किस तरह नाटकी। अरे बावली बोझा, उसकी जिंदगी का सवाल है, उन्हें लेने दे फसले। सियाणा ऐतवार ने के न्यारी पढ़ाई है उसे, ऐतवार ने तो घर ने भी आ सका था। मेरी हेडमास्टर से बात हुई थी, उसका पेपर आटे मारा है, अराड पढ़े को नहीं आ रहे, नू ये ना अंडा आ रहे, पढ़ने दे उसने उड़े। ठीक से सियाणा, मैंने तो अपनी छाती पर पत्थर टेक रखा से। माड़ा मन ना कर बावली, अपना छोरे के भविष्य के बारे में सोच, और मैं लासी लिया हूँ। ठीक से लिया लासी, मैं बनाऊँ सू रोटी टूक बना ले। पापा जी नू टेंशन में बैठे के काम चल रहे हैं, खड़े हो रोटी खा लो। की रोटी खा लो मिट्टी, यह तो महाराज ने बहुत बड़ी समस्या बता दी, के समाधान करा इसका। इनू के किसी के लिए तेरी शादी करी जाए, नू किसका माइक लाल ने बलि का बकरा बना दे आप ही। यह बात तो ठीक से पापा जी, पर कि मैंने कि मैं तो करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा बेटी, तेरी जिंदगी का सवाल है। पापा जी सब ठीक हो जाएगा, नू चिंता ना करो। मैडम जी ये सवाल समझ को नहीं आ रहा बताइए। आगे समझ में, बस सारे नू ही आवांगी। पापा जी हाँ कड़े खोगे लियाऊं के रोटी। हाँ बेटी ये भी लिया रोटी। बेटा बुता सर कहता है क्या हो गया, पूरे बैठ के बात से मन बता क्या हो गया तेरा। बेटा क्या तो कौन बोलता तू, के बात से दीपांशु बेटा क्यों हो गया, बेटा क्यों है लाडू। अरे बोल कि मैं कि मैं को नहीं आमा। ना बेटा कि मैं तो होया से, साची बता मैंने क्या होया से। माँ कि मैं कौन बताऊँ, मेरे तमन्ना मैडम मारेगी। तमन्ना मैडम मारेगी क्यों कर बोलो से बेटा। अरे सियाणा देखिए छोरों का हाल, आँखें में काजल, रात का धागा, हर चेहरे पे किमें लाल ली सी। किमन किमें गलत हो सोरे के लिए। बेटा सच्ची सच्ची बता, बात केस है बता दे बेटा, के बात से। डरना बेटा हम रहे कौन मारे मैडम है। माँ मेरे तो तूने का ब्याह आया था, जिस तरह आग कबार तो फेर लिए थे उस तरह ही मेरा मैडम तो मन्ना का ब्याह करा है, और जो पंडित था एक अंगूठा आदमी वो मंत्र राव था। बेटा ब्याह और तमन्ना मैडम के लिए। हाँ मामा ठीक हूँ, मेरी तमन्ना मैडम ने बोली अब जया बात किसी बेरा पार्टी अंदर जान तो मार दूंगी। सियाणा के कर लग रहा छोरा, छोरा के लिए कि मैं बहुत गलत काम करया हूं, के करना चाहिए रीब काम भी बढ़िया है ट्रांसपोर्ट का ना क्या है लेकिन करना पड़ा। आ गया भाई बैठ। चाचा बैठू तो के मेरे तो पाया ताला की जमीन लिगड़ गई। इसी के बात होगी सब ठीक होगा। मेरा छोरा नंदीपांशु वो प्रिंसिपल कर रहा करता, उड़े पढ़ा करता, और वो आया उसका हाल और डाल था, हाथ का कंगना बन रहा है, आँखियाँ मिशाई कर रही है, हाथा का मेहंदी लग रही है, आरनू को था मैडम तो मन्ना के लिए मेरा ब्याह कर दिया। मैडम के लिए ब्याह, अरे वो बालक का किसी बात करे मेरे यार। चाचा छोरती धमकी दे रखी है, आग जाकर बात किसी के लिए बता दी नहीं तो तुम जान तो मार देंगे, कि मैं राग लो इस बात का ही के करा। ब्योत की लड़ाई तो उसके लिए अपनी लड़क कौन सकती, चल दरखास्त दे पुलिस में। चाचा पुलिस पुलिस का मन तो बेरा को नहीं, मैं तो मजदूर आदमी हूँ, थमे करो जो किम करना हो। अरे तू बड़क ना दे, चल मैं तेरे के लिए चलूँ। चल चल। अरे नील भाई तू इतना काम करवा, जरूरी है काम। हाँ जी हरीश कौशिक। हाँ आज अंदर आज।
आओ जी बैठो। पापा पुलिस के बात होगी? बेटी मन नहीं कौन बेटा पूछांगे। हाँ जी किस तरह ना? हाँ जी आपके खिलाफ राजेश सुनो प्रकाश ने मुकदमा दर्ज करा है। हमारे खिलाफ? हमने ऐसा क्या कर दिया जी? बच्चे को किडनैप करके और उसका बाल विवाह करने का आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है। ना जी हमने तो ऐसा कोई काम को नहीं कराया। हेडमास्टर साहब है आपका नाटन तक काम कौन चल रहा है? इसका फैसला तो कोर्ट करेगी। समाज में मेरी इज्जत बहुत ज़्यादा है, इसमें मेरी और मेरी बेटी की दोनों की इज्जत खराब हो जाएगी। यह बात यो काम करने तक पहले सोचनी थी। तो इंस्पेक्टर साहब इस तरह का समाधान तो बताओ, ये गलती तो होगी मारते हैं। देख भाई केस मेरा अंडर में तो रहा ना है तो थामी ने घिसड़ाऊंगा। अगर थामी राजेश को दौड़ जाके राजीनामा कर लो और मेरे दोहराओ हो तो मैं किमें करूँ कोनी। तो ठीक से इंस्पेक्टर साहब आप मैंने 3 दिन का टाइम दे दो, मैं राजेश से मिलकर ना इस समस्या का समाधान कर लूंगा। 3 दिन है, 4th दिन मेरा होगा। ठीक से जी। पापा ये क्या होगा? बेटी सारी गलती तेरी से, मंदिर थी कही थी ना अगर इसने दाऊ डरा धमका के राखी है पर तेरे पे एक छोटा सा टबर को नहीं समझा। पापा मैं क्या करूँ, मैं तो खूब डराया था फिर भी उसने सारी सच्चाई बता दी। ठीक से मैं जाऊंगा किसे तो रहा कुकरे ने कुकरे सुलटाऊंगा इसने। ठीक से देख लियो। हाँ अटेंशन ना ले घर में काम कर ले। हाँ भाई राजेश सिल्लों तो बता दी तू और बता के बात से। सरपंच साहब हेडमास्टर जी ने मेरे लड़के की शादी मारती बिना बताई आपकी लड़की तो करा दी। मास्टर तो बड़का भी जिंदगी बनाया करें और तने यो के करे खराब कर दी इसकी उतने। सरपंच साहब मेरे पर तो गलती होगी और बेटी के प्यार मानदा हो गए ना मैंने एक मासूम की जिंदगी खराब कर दी। एक बात बताओ मास्टर जी गलती तो तने मान ली फिर यह गलती करी क्यों, इसी के मुसीबत आ गई थी। सरपंच साहब मैंने पंडित पर पत्रा दिखा था और यह छोरी थी मांगली पे मन ने इसका दोस्त आने खातर यो काम करना पड़ा। बेशरम है जे मेरा छोरो किमे हो जाए रे तो हम क्या बड़ाए रे। बाबी यार बाद में पंचायत है थोड़ी कम बोलो। देवर कहना कौन चाहूं थी छोरे खातर मेरा भी तरपाटस है और मन ने कहने चाले थमी से न को निकन दे। बोल मास्टर जी तने के सजा देवा। सरपंच साहब मैंने गलती करी से और इसका मैंने पछतावा भी से मैं चाहूँ सू पंचायत तो जो मैंने सजा देगी वह देगी और जो इस बालक का जानना है न ताकि इसकी जिंदगी खराब नहीं हो पूरी जिंदगी का जो भी पंचायत मेरे दंड लगाओ मैं देने तैयार हूँ। जी मार छोरे का किमें हो गया तो हम पीछे के चट्टेंगे जो इस पर दोष डा है ना उसका समाधान कर लो बस यही चाहवा हम तो। भाई मेरी नहीं गाँव महाराजे से सियाराम शास्त्री जय किमें उस पर सलूशन होगा वो कर देगा। संदीप कर फोन उस दूर एक बार शास्त्री जी दूर। पंडित जी महाराज राम राम जी। राम राम जी। एक बार सरपंच साहब करना है जो बुला रहे थे आपने। क्या हो गया? कोई बात है जी सरपंच साहब ने मेरा। चलो ठीक है। हाँ जल्दी करके आइए थोड़े। ठीक ठीक है जी आओ सरपंच साहब। चलो आ जाएगा। सरपंच साहब मन तो लगता को नहीं जो दोषी उतर जाए आगे। भाई तो चिंता ना करा उतर जाएगा दोष भी एक बार तू आन तो दे पंडित जी ने जो आए गया। राम राम, राम, राम। कुर्सी ले। हाँ भाई संदीप की बात होगी थी। पंडित जी महाराज राजेश का छोरा का ब्याह करा दिया एक मांगलिक छोरी के लिए ये दोष किस तरह उतरेगा यह बता दे बस। भाई इसका छोरा के तो नाम से और इसकी जन्मतिथि बता दे मने। पंडित जी सन 2012 में उतर तो भादु 7 में आया था। किस टाइम से आया था भाई? 7 बज रहे थे शाम के। भाई इंसान का चाहना था कि मैं को नहीं होता जो भगवान चाह वो होगा। पंडित जी साफ साफ बता दे बात केस है मेरा तो कर्जा लिखड़िया जा सा। भाई छोरा किमी को नहीं होगा थारा छोरा का तो बाहर उतरिया सा है मांगलिक तो मांगलिक की शादी होता आपस में बाहर कट गया है। राजेश संतुष्ट है तू इस बात है थारा छोरा किमी कौन बिगड़ा है तू ही इसका किमें दंड लाना चाहता हो तो दंड भी ला सका है। सरपंच साहब मार छोरा बाहर उतर गया हम न और किसी है। भाई राजेश ठीक से था दरखास्त ठा लिया ठीक है सरपंच साहब ठा लेंगे हम। सरपंच साहब इन्हें तो मैं माफ़ कर दिया लेकिन मन्नत तो इनका छोरे का बुरा ही करा था वो तो भगवान ने जो से इसका अच्छा कर दिया तो इस कारण तो मैं जो से अपनी गलती मान के ना और अपना प्रयास चित करना चाहूँ सू। किस तरह मास्टर जी?
भाई नूस है इस बालक का पढ़ाई लिखाई का जितना भी वो पढ़ेगा सारा खर्चा मैं दूंगा और इसने अपना बेटा बना के रखूंगा और यो मौका थमने दोगे ना तो मैं सोचूंगा थमने मैं माफ कर दिया। ठीक सर मास्टर जी, बस साथ आपकी अग्नि सब क्या दो दे है जैसे आपकी इच्छा देखनी और समझा दे फिर लिखाओ समझाओ भाई तुम्हें। राम राम दोस्तों, आपने स्टोरी देख ली, इसमें हमने के दिखा से अगर जो गलती मन ने करी ना इसी कोई ना करियो और मैं भी एक बाबा की शिखा में आ गया था लेकिन आजकल जो है 100 में 95% बाबे इसे मिलेंगे जिनने मेरे ती शिक्षा दी थी, 5% बाबे ठीक से तो इन 95% की बकाई में ना आइयो और मेरे जैसा कोई गलत काम ना करियो। नहीं मैं तो राजेश ने माफ़ कर दिया और थमने कोई माफ़ करिया नहीं पाओगा, थमने सजा जरूर मिलेगी कोर्ट में जाके ना। जय हरियाणा और जय हरियाणा।